लखनऊ में राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सनातन के प्रति अपशब्दों का प्रयोग विपक्षी दलों का व्यवसाय बन गया है। जनता में इस प्रवृत्ति के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो भारत माता पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि धरती माता, गंगा माता और गौ माता का त्रिकोण ही भारत माता है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार भारत माता है। कानपुर में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस के सहयोगी सनातन को बीमारी बताकर अपमानित कर रहे हैं। एक समाज का परिवर्तन तेजी के साथ में चल रहा है और इस देश में, जिस देश में गौ माता, गंगा माता, धरती माता का त्रिकोण भारत माता हुआ करता है, आज उस भारत माता पर उंगली उठाने का साहस कुछ लोग कर रहे हैं। आज समय का परिवर्तन ऐसा आया, राजनीति के दलदल में अगर आप देखो, मैं ये राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा कि एक गठबंधन बनता है और गठबंधन का एक नेता जो कांग्रेस के नेतृत्व में होते हैं उदयनिधि स्टालिन, कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मोदी ना आ जाए नहीं तो सनातन आ जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।